आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड इन टू, यस वेरी सिंपल इट इज, जब भी ओव्यूलेशन हो जाता है तो जो रप्चर्ड फॉलिकल है कौन सा, ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो टीचर्स कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है. ऑलवेज रिमेम्बर कॉर्पस ल्यूटियम जो है एक येलो बॉडीड स्ट्रक्चर है, इस तरह से बना देती हूँ, एनसीईआरटी में इस तरह से बना हुआ है ग्राफ वाले रीजन में. ये ल्यूटिन प्रोटीन सिक्रीट करता है, और ल्यूटिन प्रोटीन क्या है, येलो प्रोटीन है जो इसको येलो अपियरेंस देता है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम, और इसके ऊपर एक्ट करता है हार्मोन कौन सा, एलएच, और फिर इससे सिक्रीशन करवाता है किसका, प्रोजेस्टेरोन. सो इट इज लाइक दिस, एलएच एक्ट्स ऑन दिस कॉर्पस ल्यूटियम द येलो बॉडीड स्ट्रक्चर एंड सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन विच मेंटेन्स प्रेगनेंसी. ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल सेल्स है जिसमें सेकेंडरी ओसाइट पाया जाता है. कॉर्पस कैलोजम वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पस कैलोजम क्या करता है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या करता है, ये जोड़ करके रखता है. इट इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या करता है, जॉइन करके रखता है. अगर हम बात करते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की, तो ये स्पॉन्जी टिश्यूज से बना हुआ है रीजन है जो कि यूरेथ्रा को, मेल के अंदर यूरेथ्रा को क्या करता है, सराउंड करता है. तो इसका मतलब ये है कि ये बाकी के ऑप्शंस तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है कॉर्पस ल्यूटियम. तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कॉर्पस कॉर्पस वर्ड देख के, हमें तो बस ये देखना है कि करेक्ट आंसर क्या है, है ना. अगर ये ओव्यूलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आंसर कॉर्पस ल्यूटियम होगा. अगर ब्रेन से रिलेटेड होता तो हम कॉर्पस कैलोजम के बारे में सोच सकते थे. ठीक है,